Assalamu alaikum students, this is Fazal Shahbaz Khan and again ready for a lesson, another lesson that is for you especially. Aur halat ke pesh nazar is tarah ke chand ahem tareen lectures aapke liye lekar hazir hunga, jaise ki aaj ek lesson second year English se related lekar hazir hun. To apna taaruf main kya kar raha hun, एक छोटा सा टीचर हूं, तो आइए विदाउट फर्दर अडू लेट अस गेट स्टार्टेड. सो लेट अस स्टार्ट द टाइम विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड द मोस्ट मर्सिफुल. चैप्टर का टाइटल द वर्ल्ड एज आई सी इट. और ये चैप्टर किस लिए लिखा गया और किसने लिखा, आइए जरा सबसे पहले आपको ऑथर से मिलवाते हैं हमेशा की तरह. सो लेट अस मीट हिम. He is none other than a renowned theoretical physicist, Mr. Albert Einstein. किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जाहिर है कि इनके बारे में क्या कहा जाए, बस इतना कहना जरूरी है जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले ज्यूइश फैमिली में पैदा होने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी में बड़ी कोशिशें की, बड़ी तकालीफें सही और इन दी एंड वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बने. इनकी मशहूर कोटेशंस में से मुझे हमेशा ये कोटेशन याद रहती है और मैं हमेशा ये कोट करना पसंद करता हूँ. एक जगह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी. यानी ये कोटेशन इनकी जिंदगी को, जिंदगी का मिरर है आई वुड से, कि आप अपनी मुश्किलात में घिरे रहने में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद ये मुश्किलात सिर्फ आपकी जिंदगी का हिस्सा है, नहीं बल्कि कहीं ना कहीं इसी बीच आपको अपनी अपॉर्चुनिटी जरूर तलाश कर लेनी चाहिए कि जहां से आप कम बैक कर सके. और ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी में किया. किसे पता था कि एक ऐसा शख्स के जिसे शू लेसेस तक बांधने नहीं आते और जिसने अपनी जिंदगी में बड़ी उम्र में जाकर बोलना सीखा और जिसके पेरेंट्स हर्मन आइंस्टाइन एंड पॉलिन आइंस्टाइन मुश्किलात का शिकार रहे अपने अपने बेटे को देख करके, जो जिसका क्या मुस्तकबिल होगा उनके लिए बिल्कुल ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल था. ऐसे बच्चे ने आगे बढ़कर अगेंस्ट दी ऑड अपने आप को साबित किया और डुअल नेशनैलिटी एक वक्त में इन्होंने संभाली. ही वॉज एन अमेरिकन एट द सेम टाइम बींग अ जर्मन. और फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने आप को मनवाया. बात करें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की और बात करें उस मशहूर ज़माना इक्वेशन की जो कि मास और एनर्जी की इक्वेलेंस यानी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से रिलेटेड है, हर कोई जानता है. इन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और फिर नोबेल प्राइज़ विनर होने की हैसियत से इन्होंने 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ हासिल करते ही अपना लोहा मनवाया. एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड इन्होंने सजेशंस उस ज़माने के अमरीकी प्रेसिडेंट को दी थी, जो कि एक लेटर के ज़रिए इन्होंने कहा था. इट वॉज ऑगस्ट 1939 कि जिसमें इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को अमेरिका की दिफा का वाहिद जरिया करार दिया था. खैर ये सारी बातें बाद में, लेकिन हमें ये जानना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट तो बहुत ज़बरदस्त थे, एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन इस मजमून से हमें ये पता लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत अच्छे इंसान थे और एक इंसान के जिसे लोग पूजते थे, जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे और जिसके करीब आना लोग पसंद करते थे और जो एक सुपरस्टार की हैसियत रखता था साइंस की दुनिया में. तरकीकत वो शख्स अपनी निजी जिंदगी में कितने सादा मिजाज और कितनी सादा सोच का हामिल था. एक ऐसे इंसान के जिसने अपनी सारी जिंदगी मजहब की तलाश में गुजारी. ज्यूइश फैमिली में पैदा होने के बाद आइए हम देखते हैं कि अपने इस मौजू में उन्होंने किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर किया. सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस गेट डाउन टू द इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ द ऑफ दिस एस्से. वो मजमून जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1931 में लिखा और जिसे कई मकामात पर पब्लिश किया, किसी कई एडिशंस आई. तो 1934 में इसकी पहली एडिशन आई और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत यानी 18 अप्रैल 1955 के बाद भी ये शाया होती रही. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने इस चैप्टर के अंदर कई चीजों पर तबादला ख्याल किया, आइए जरा उसका आगाज करते हैं. द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर.
What an extraordinary situation is that of us mortals. Hum makhlooqon ki bhi kya hairan kun zindagiyan hain, kya halaat hain. Each of us is here for a brief sojourn. Yahan zahir hai ki sojourn ka matlab stay hai, yani ki qayam ka, qayam karna, aarzi taur pe qayam karna. Exam mein aam taur pe brief stay, yani brief sojourn ka word aapko dikhega. Hum mein se har koi yahan par bahut hi mukhtasar qayam ke liye is duniya mein bheja jata hai. Ek individual ki baat ho rahi hai, gaur kariyega. For what purpose he knows not, though he sometimes thinks he feels it. Ek insaan ko जब इस दुनिया में भेजा जाता है, बकौल अल्बर्ट आइंस्टाइन के, उसे नहीं पता होता कि वो क्यों भेजा गया है, लेकिन कभी कभी वो ये प्रिटेंड करता जरूर नजर आता है कि शायद उसे अपने दुनिया में भेजे जाने का मकसद पता है. कहना ये चाह रहे हैं कि शायद इंसान हमेशा से अनजान रहा है अपनी एग्जिस्टेंस से. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेली लाइफ, विदाउट गोइंग डीपर, वी एग्जिस्ट फॉर आवर फेलो मैन. लेकिन फिर ये कहते हैं कि अगर के रोजमर्रा की जिंदगी के नुक्ते नजर से बात की जाए, बिना गहराई में गए, तो नजर ये आता है कि हम इंसान अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथियों के लिए ही जीते हैं और दुनिया में भेजे जाते हैं. किस तरह? दो तरीकों से इसे एक्सप्लोर करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन. नंबर वन, इन द फर्स्ट प्लेस, फॉर दोज ऑन हूज स्माइल्स एंड वेलफेयर ऑल आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स. सबसे पहले तो उन लोगों के लिए हम इस दुनिया में मौजूद है कि जिनके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहटों और जिनकी बेहतरी, तहफ़ और भलाई के लिए हम अपनी सारी खुशियाँ निछावर कर देते हैं. यानी हमारी खुशियों का महवर हमारे अपनों के चेहरों पर आई गई खुशी और हमारे जरिए से उनकी की गई केयर टेकिंग हमारी खुशी का जरिया बनती है. हम अपने अपनों के लिए जीते हैं. एंड नेक्स्ट, फॉर ऑल दोज अननोन टू अस पर्सनली विद हुज डेस्टिनीज वी आर बाउंड अप बाय द टाई ऑफ सिंपैथी. टाई कहते हैं ताल्लुक को, डेस्टिनीज यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर्च्यून्स को कहा जा रहा है. तो दूसरी सूरत में फिर हम रहते हैं जिंदा उन लोगों के लिए कि जिन्हें हम पर्सनली जानते नहीं होते, जो हमारे लिए अजनबी हैं, जिनसे राह चलते मिल जाते हैं, जिनसे किसी जगह किसी स्टॉप पर खड़े होकर हम मुखातिब हो जाते हैं, या ऐसे लोग कि जिनकी हम बिना किसी ताल्लुक के मदद कर देते हैं. कभी कभी हम उन्हीं के लिए जी रहे होते हैं और ये ताल्लुक, ये रिलेशन, ये टाई सिर्फ और सिर्फ काइंडनेस यानी सिंपैथी की बुनियाद पर बना रहता है. तो इस पैराग्राफ में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बयान किया कि इंसान दुनिया में क्यों आता है, व्हाट ही बिलीव्स कि इंसान को दुनिया में क्यों भेजा जाता है. 100 टाइम्स एवरी डे आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट माई इनर एंड आउटर लाइफ डिपेंड ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मेन लिविंग एंड डेड. कहते हैं कि सैकड़ों बार दिन में मैं अपने आप को ये याद दिलाता हूं कि मेरा जाहिर और मेरा बातिन जरूर मेरी ही नहीं बल्कि उन तमाम तर लोगों की मरहूने मिन्नत है कि जो जिनमें से कुछ या तो आज भी जिंदा हैं और जिनमें से बहुत से दुनिया से जा चुके हैं. यहाँ पे वो अपने अपने पेरेंट्स को याद कर रहे हैं, यहाँ पे वो अपने अपने टीचर्स को याद कर रहे हैं कि जिन्होंने उनकी डिफिकल्ट सिचुएशन में बड़ी मदद की. इंसान कितना छोटा होता है, 2 साल का 4 साल का 10 साल का 15 साल का, और फिर एक वक्त आता है कि वो बड़ी उम्र को पहुंच चुका होता है. ये ग्रोथ, ये डेवलपमेंट आप खुद नहीं करते, कहीं ना कहीं आपके प्यारों का इसमें एफर्ट ज़रूर आपको महसूस होना चाहिए. वो खाना जो आप खाते हैं वो किसी की मेहनत की कमाई हुई रोजी होती है, वो आपके वालिद हैं. इस तरह सोन, एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है. अल्बर्ट आइंस्टाइन किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वो कहते हैं ये जिंदगी अल्लाह ताला के बाद मेरे अपनों की देन है मुझ पर, और ये ना होते तो शायद मैं कुछ ना होता. एंड दैट आई मस्ट एग्जर्ट, यहाँ एग्जर्ट का मतलब है यूज करना, यूटिलाइज करना, नोट कर सकते हैं. एंड दैट आई मस्ट एग्जर्ट माई सेल्फ इन ऑर्डर टू गिव इन द सेम मेजर एज आई हैव रिसीव्ड एंड एम स्टिल रिसीविंग. बड़े दयानतदार किस्म के इंसान थे अल्बर्ट आइंस्टाइन. कहते हैं कि अपनी जिंदगी में ये एहसास करने के बाद कि मेरी जिंदगी दूसरों की देन है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे भी खुद को डिवोट करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने खुद को मेरे लिए रिवॉर्ड किया, और उन तमाम चीज़ों के लिए, उन तमाम एफर्ट्स के लिए जो या तो अब तक मैं अपने अपनों से रिसीव कर चुका हूँ या जो अब तक मैं रिसीव कर रहा हूँ. आई एम स्ट्रॉन्गली ड्रॉन टू द सिंपल लाइफ. बड़े सादा मिजाज आदमी थे, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं सादा जिंदगी का कायल हूँ.
एंड एम ऑफन ऑप्रेस्ड, यहाँ ऑप्रेस्ड का लफ्जी मतलब है डीमोरलाइज्ड, टेंस हो जाना, डिस्ट्रेस्ड हो जाना. एंड एम ऑफन ऑप्रेस्ड बाय द फीलिंग दैट आई एम इनग्रॉसिंग एन अननेसेसरी अमाउंट ऑफ द लेबर ऑफ माई फेलो मैन. एक बासमीर इंसान है, कहते हैं कि सादा जिंदगी गुजारने का कायल हूँ, और हमेशा इस एहसास से मैं टेंस हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, ये सोच सोचकर कि शायद मैं अपने आसपास मौजूद लोगों से कुछ जरूरत से ज्यादा ही उनकी एफर्ट्स हासिल कर रहा हूँ. यानी उन्हें इतनी एफर्ट्स बकौल एल्बर्ट आइंस्टाइन के, एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग उनके लिए बहुत कुछ किया करते थे. तो यहाँ इनग्रॉसिंग का मतलब अब्सॉर्बिंग इंटरेस्ट एंड अटेंशन फॉर समवन, सिर्फ अब्सॉर्बिंग भी लिख सकते हैं. फिर वो चले जाते हैं एक नए मौजू की तरफ. आई रिगार्ड क्लास डिफरेंसेस एज कॉन्ट्ररी टू जस्टिस. मैं लोगों के दरमियान जो दर्जात का फर्क है, मैं उसका भी कायल नहीं हूं, और मैं उसे इंसाफ के एन मुनाफी, यानी उसकी अगेंस्ट, यानी कॉन्ट्रेरी समझता हूं. एंड इन द लास्ट रिजॉर्ट बेस्ड ऑन फोर्स, और आखिरी लफ्जों में कहूं तो मैं समझता हूं कि ये दर्जा बंदी सख्ती पर मबनी है, और सख्ती की बुनियाद पर की जाती है. यानी इंसान आमतौर पर शायद खुद इस फितरत का कायल नहीं होता, लेकिन मजबूर हो जाता है कि कोई अमीर है तो अमीरी का जोम, घमंड उसे गरीब को गरीब समझने पे मजबूर कर देता है, और उस पर अपने आप को हावी करने पे मजबूर कर देता है. आई ऑल्सो कंसिडर दैट प्लेन लिविंग इज गुड फॉर एवरीबॉडी फिजिकली एंड मेंटली. मैं ये भी बेहतर समझता हूँ कि सादा जिंदगी हर एक के लिए बहुत बेहतर है, सबके लिए, चाहे वो जिस्मानी तौर पे हो चाहे वो जहनी तौर पे हो. तो सादा जिंदगी गुजारना, एक ऐसा शख्स हमें कह रहा है कि जिसने अपनी जिंदगी में खाली स्पॉटलाइट्स देखी, लेकिन हमें शायद इनसे बहुत कुछ सीखने को मिले. आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इन ह्यूमन फ्रीडम इन द फिलोसॉफिकल सेंस आई एम डेफिनेटली अ डिसबिलीवर. वो कहते हैं कि अगर कि मैं आजादी की बात करूं, इंसान की आजादी की बात करूं फिलोसॉफिकल वे में, तो मैं जाहिर है कि खुद पसंद हूं, एक किस्म का लोनर हूँ, एक किस्म का लोन ट्रेवलर हूँ, अ पर्सन के जो लोगों पर यकीन नहीं रखता, उनकी 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 बनाई हुई फ्रीडम पर यकीन नहीं रखता. बात फ्रीडम से याद आती है कि आज के ज़माने में, मौजूदा दौर में, जिस तरह से जो कंट्रोवर्शियल वुमेन मार्च यहाँ पर चल रहा है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस जुमले पर ही गौर किया जा सकता है कि इंसान के जहन पर अगर गौर किया जाए तो तश्वीशी होती है. Everybody acts not only under external compulsion, गौर करिएगा वो क्या लिखते हैं, but also in accordance with the inner necessity. ये जुमला आज के वुमेन मार्च पर तो फिट बैठ गया बॉस. हर कोई ना सिर्फ के अंदरूनी दबाव का शिकार होकर अमल करता है, बल्कि कहना ये चाहिए कि वो जाहिरी और बाहर के भी दबाव का भी शिकार होता है. यानी मैं अगर कुछ करने पे मजबूर हूं तो शायद किसी ने मुझे इन्फोर्स भी किया है ऐसा करने पर, किसी ने मुझे बाहर से इन्फोर्स किया है, मेरे साथियों में से, मेरे आसपास जो लोग उनमें से, लेकिन कुछ मेरे अपने ज़ाती खल्फिशार भी हैं, मेरी ज़रूरत भी है, शायद मैं अपनी नीड्स के तहत आवाज़ उठाता हूँ. शोपेनहावर्स, एक मशहूर जर्मन फिलोसोफर जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसके फॉलोअर्स में से थे, शोपेनहावर्स की एक सेइंग यहाँ पर हमारे साथ शेयर करते हैं. लिखते हैं, शोपेनहावर्स सेइंग दैट अ मैन कैन डू एज ही विल बट नॉट विल एज ही विल. एक इंसान जो चाहे जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है, बट वो वैसा नहीं करेगा जैसा वो करेगा. यानी इंसान प्लान बहुत कुछ करता है कि वो बहुत कुछ करेगा, लेकिन इन दी एंड वो करता वही है जो उसने हालात के नतीजे में करना होता है. तो ये जस्टिफाई हो गया ना कि जो आपने ऊपर पढ़ा, तो उन्होंने ये किसके इन्फ्लुएंस में लिखा, हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू मी सिंस माय यूथ अप. ये जुमला जो कि शोपेनहावर की सेइंग, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, कहते हैं कि ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रही मेरी जवानी के दिनों में, एंड अ कंटिन्यूअल कंसोलेशन. यहाँ कंसोलेशन का मतलब आप लिख सकते हैं सपोर्ट, एक जरिया, एक मदद. एंड अ कंटिन्यूअल कंसोलेशन एंड अनफेलिंग वेलस्प्रिंग.
वेल स्प्रिंग का यहाँ पे लफ्जी मतलब लिख सकते हैं सोर्स, अगेन जरिए के लिए. अनफेलिंग वेल स्प्रिंग ऑफ पेशेंस इन द फेस ऑफ द हार्डशिप्स ऑफ माई लाइफ माई ओन एंड अदर्स. अभी की बात ना सिर्फ कि ये सेइंग मेरी मेरी जवानी के दिनों में, मेरे मेरे बचपन के दिनों में मेरी मेरे लिए इंस्पिरेशन रही, बल्कि मेरे लिए एक सब्र करने का और आगे बढ़ने का जरिया बनी रही, अपनी जिंदगी की मुश्किलात उठाते हुए भी, और जाहिर है कि मेरे साथ जो मेरे अपने थे उनकी जिंदगियों की भी मुश्किलात को फेस करते हुए. यानी मुश्किलात के दौर में वो ऐसी कुछ सेइंग्स का इस्तेमाल अपने लिए करते थे कि जिससे वो इंस्पायर होते थे. दिस फीलिंग मर्सीफुली मिटिगेट्स. अच्छा, मिटिगेट्स का मतलब लिखेगा यहाँ पर कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना, लेसन्स. दिस फीलिंग मर्सीफुली मिटिगेट्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच सो ईजली बिकम्स पैरालाइजिंग. अब इस बात पे मैं थोड़ा गौर करना होगा कि वो किस मुद्दे पर यहाँ पर ड्रिल कर रहे हैं. कहते हैं ये एहसास कि जो आपके जहन में एहसास जिम्मेदारी के लिए पाया जाता है, वो आपके इस एहसास जिम्मेदारी को कम कर देता है और आपको आपको डिपेंडेंट कर देता है लोगों पर. डिपेंडेंट से मुराद यहाँ पर आप जो है वो ना अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियस लेना शुरू हो जाते हैं, ना ही अपने साथ मौजूद उन लोगों को कि अगर कहीं कहा जाए कि भाई मेरे साथ तो ये हालात हैं और हालात जो हैं वो किसी के साथ भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह. तो इस नाते जाहिर है कि इंसान के अंदर ये एहसास कि यार मुख्तलिफ सेइंग्स हैं उनको देखकर तो यार बस इंस्पायर हो जाते हैं, जिंदगी है गुजर जाएगी, बिना कुछ किए सोचें कि नहीं हो जाएगा, ये बहरहाल आपको पैरालाइज कर देता है. एंड इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम टेकिंग आवरसेल्व्स. देखें वही बात जो मैं अभी आपसे पहले कर रहा था. एंड इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम टेकिंग आवरसेल्व्स एंड अदर पीपल टू सीरियसली. ये एहसास हमें ना सिर्फ पैरालाइज करता है बल्कि हमें रोकता है कि ना 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 तो हम अपने आप को, ना ही अपने से ताल्लुक रखने वाले अपने अतराफ में मौजूद लोगों की जिंदगी को सीरियस लेते हैं. इट कंड्यूसेस यानी ले जाना बढ़ाना. इट लीड्स इट कंड्यूसेस टू अ व्यू ऑफ लाइफ इन विच ह्यूमर अबव ऑल हैज इट्स ड्यू प्लेस. ये आपकी जिंदगी को इस तरह का, अगर आपका सोचने का अंदाज है और अगर आप डिपेंडेंट रहते हैं कि नहीं यार हालात पर खुद को छोड़ देता हूँ, आगे जो होगा वैसा ही होगा बिना एफर्ट्स किए, तो ऐसे में ना तो आप अपने आप को ना अपने लोगों की जिंदगी को सीरियस लेते, बल्कि आप अपनी जिंदगी को एक ऐसे दौराहे पे ले जाकर खड़ा कर देते हैं कि जहां आपकी जिंदगी एक मजाक बन जाती है, और मजाक जो है वो जिंदगी नहीं हो सकती, जिंदगी एक संजीदा अमल है. टू इंक्वायर आफ्टर द मीनिंग और ऑब्जेक्ट ऑफ वन्स ओन एग्जिस्टेंस और ऑफ क्रिएशन जनरली हैज ऑलवेज सीम्ड टू मी एब्सर्ड यानी स्ट्रेंज या ऑड ऑकवर्ड एब्सर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. मैं जब इस तलाश में निकलता हूं कि इंसान के बनाए जाने और इंसान के इस दुनिया में भेजे जाने का क्या मतलब है, जब मैं इसकी तफ्तीश करता हूं तो नजरिया अगर मैं अपना ऑब्जेक्टिव रखूं तो उसके साथ मैं अगर इसे देखूं तो मैं फंस जाता हूं कि मतलब क्यों आए हैं हम दुनिया में. आखिर हमारी तख्लीक का, हम तमाम मखलूकात का इस दुनिया में आखिर क्या मकसद है. जब ऑब्जेक्टिवली उसे देखा जाए तो ये बहुत अजीब लगता है. या ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान अपने तौर पे सोचता है कि वो शायद इसलिए पैदा किया गया है, लेकिन दरहकीकत उसके साथ जब कुछ और हो रहा होता है सो ही बिकम्स पजल्ड. एंड येट एवरीबडी हैज सर्टेन आइडियल्स विच डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ हिज एंडेवर्स. या एंडेवर्स का मतलब अटेम्प्ट्स या ट्राइज. द डायरेक्शन ऑफ हिज एंडेवर्स एंड हिज जजमेंट. और फिर हर इंसान, आप हर दूसरे इंसान से मिलते हैं, उसका उसके पास अपने मकासद है. या आइडियल्स से दो मतलब निकलते हैं, किसी का पैरोकार होना, हर इंसान का अपना अलग आइडियल होता है, और हर इंसान के पास अपनी एक अलग सोच होती है जिसके तहत वो अपनी सिमत तैयार करता है. जैसे मेरा दोस्त है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो जो बेहतर समझता वही करता है और उसी के तहत वो अपनी कोशिशें कर रहा होता है एंड हिज जजमेंट, वो अपने फैसले ले रहा होता है. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये जुमला देखा जाए तो बिल्कुल सही है, इंसान अपने ही बनाए हुए उसूलों पर समटाइम्स चलना शुरू हो जाता है, जो कि एक तरह से अपनी परेशानियों का हल तलाश करते करते अचानक, और कई ऐसे जुमले हैं जो यके बाद दीगरे उनका वो इस्तेमाल करता नजर आ रहा है. तो बहरहाल यहां तक तो उन्होंने जो कहा उससे आगे बढ़ते हुए आइंस्टाइन कंटिन्यू करते हुए लिखते हैं, इन दिस सेंस
I have never looked upon ease and happiness as ends in themselves. ज़रा गौर करिएगा, कहते हैं कि इस नज़रिए से मैंने कभी भी अपने लिए आसानी और खुशियाँ, बेशक हर इंसान तलाश करता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी तलाश की थी, लेकिन वो कहते हैं कि कभी भी मैंने अपने लिए आसानियाँ या खुशी इस हद तक तलाश नहीं की कि मैं उसी में डूब कर रह गया। डिफाइन करते हुए आगे लिखते हैं, सच एन एथिकल बेसिस आई कॉल मोर प्रॉपर फॉर अ हर्ड ऑफ स्वाइन। यहाँ पहले हर्ड ऑफ स्वाइन की मीनिंग को थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ बीस्ट्स। वैसे एक्चुअली इस मजमून में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हर्ड ऑफ स्वाइन की जगह पिगस्टाई, PIGSTY, पिगस्टाई का वर्ड यूज किया है, और जिसका मतलब एक ऐसे घर की मिसाल है कि जहाँ पर बहुत से सुअर मौजूद हों, जो एक नापाक सी जगह हो और काफ़ी गंदी सी जगह हो। तो अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिगरेटिवली इस सेक्शन का मतलब जानवरों की जगह कहा जा सकता है, जानवरों का ग्रुप कहा जा सकता है, उन्हें हर्ड ऑफ स्वाइन के तौर पे देखा जा सकता है, लिखना चाहते हैं कि इस तरह की सोच रखना कि आसानी और खुशियाँ ही मिलें, ऐसी जिंदगी तो भाई कोई इंसान तो गुजारने से रहा, ऐसी जिंदगी फिर जानवरों को ही सूट करती है, और मैं तो कहूंगा कि जानवरों ने ही ऐसी जिंदगी गुजारनी होती है। तो इनडायरेक्टली अल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने का बड़ा सीधा और सादा मकसद है कि इंसान अगर दुनिया में आया है तो अपनी अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी किया। अब कुछ आइडियल्स की बात वो आपने देखा कर रहे थे, उन लोगों की कि जो अपने अपनी जजमेंट्स के लिए तलाश कर बैठते हैं लोगों की शक्ल में या अपनी सोच की शक्ल में। अब वो बयान करना चाह रहे हैं कि वो किन आइडियल्स को फॉलो करते हैं। लिखते हैं, द आइडियल्स विच हैव लाइटेड मी ऑन माई वे एंड टाइम आफ्टर टाइम गिवन मी न्यू करेज टू फेस लाइफ चीयरफुली हैव बीन, नोट करिएगा बेटा, ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। एंड आई रिपीट, ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। एंड आई रिपीट अगेन, ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। ये तीन एलिमेंट्स याद रहने चाहिए। जिन तीन आइडियल्स को कहते हैं कि जिसने हमेशा मुझे मेरे रास्ते में रोशनी दिखाई, और हर उस मौके पर जब जिंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी और मुझे हिम्मत की ज़रूरत थी, मुझे हिम्मत और हौसला दिया जिन तीन आइडियल्स ने, वो हैं सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती। यहाँ सच्चाई से मुराद इंसान का जाहिर और बातिन एक सा होना, यहाँ गुडनेस की मुराद एक इंसान का लोगों के लिए भी अच्छा और भला करना, वेलफेयर का काम करना, यहाँ ब्यूटी से मुराद सिर्फ हुसन नहीं बल्कि वो कुदरती नज़ारे कि जिन्हें देखकर इंसान बाज़ औक़ात जिंदा ना रहे तो हो जाता है, और जिंदगी की तरफ अगर ना मौजूद हो तो लौट आता है। यहाँ पर विलियम वॉर्ड्सवर्थ द पोएट ऑफ नेचर जरूर आपको याद आएंगे, ऐसी कई नज़में उन्होंने लिखी। अल्बर्ट आइंस्टाइन आगे कंटिन्यू करते हुए लिखते हैं, विदाउट द सेंस ऑफ, अच्छा मैं इससे जरा कनेक्टिव ऑर्डर में पढ़ूंगा तो जरा गौर करिएगा, मैं कुछ वर्ड्स जो मैं आप पढ़ रहा हूं उसे मैं तीन जुमलों में रिपीट करूंगा। विदाउट द सेंस ऑफ फेलोशिप विद मैन ऑफ लाइक माइंड, विदाउट द सेंस ऑफ प्री ऑक्यूपेशन विद द ऑब्जेक्टिव, without the sense of the eternally unattainable in the field of art and scientific research। ये तीन अलग अलग जुमले हैं लेकिन जाहिर है कि इन तीनों का कनेक्शन without the sense of से जाकर जुड़ता है। तो पहले तो कुछ वर्ड्स नोट कर लें, जैसे प्री ऑक्यूपेशन का मतलब आप लिख सकते हैं अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। इसी तरीके से जो दूसरा वर्ड है अनअटेनेबल, ऑब्वियसली अ बिट ईजियर इन परस्पेक्टिव, दैट इज अनअचीवेबल। ओके, अब जरा नोट करिएगा, वो कहते हैं कि इंसान बाज़ औक़ात अपने जैसे जहन के इंसान की तलाश में होता है कि मेरे जैसे इंसान कोई मिलेगा तो हम एक से भले दो मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, और जाहिर है कि उसमें वो उसी वक्त आगे बढ़ते हैं जब वो अपने जैसे इंसान को भी अपने साथ देखते हैं और उसकी शक्ल में उन्हें सपोर्ट मिलती है। बिना किसी ऐसे इंसान के साथ हुए जो मेरे हम ख्याल हो, बिना किसी ऐसे अमल को करते हुए कि जिसका मुझे पता ना हो, ऑब्जेक्टिव का इंसान को पहले से पता होता है ना कि वो क्या करने जा रहा है, बिना कुछ भी मुकम्मल तौर पे ना किए बगैर,
जो कि आर्ट और साइंस की फील्ड में है, अगर कि ये सारी चीजें वो ना कर पाते, जैसे कहते हैं अगर मैं ये ना कर पाता जिंदगी मेरे लिए, लाइफ वुड हैव सीम्ड टू मी एम्प्टी, जिंदगी मेरे लिए एक एक बंजर जमीन होती, जिंदगी मेरे लिए खाली होती। मैं जरा से इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जाहिर है ये डिफिकल्ट लाइंस थी तो मैं जरा इसको ओपन करता हूँ, तवज्जो दीजिएगा। वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इंसान किसी का डिपेंडेंट होकर नहीं रह सकता, अगर उसे कुछ करना है तो खुद आगे बढ़ना है, जैसे कि उन्होंने पहली लाइन में लिखा। इंसान बाज़ औकात बेमकसद आगे नहीं बढ़ सकता, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि अगर मैं, मेरे पास मकसद नहीं होता तो मैं आगे नहीं बढ़ता। और इंसान अगर के किसी भी तरह साइंस और आर्ट की फील्ड में अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, यानी कहने का मकसद ये हुआ कि वो अपने आप को डिटरमिन अगर नहीं कर पा रहा है कि वो दुनिया में आया क्यों है, क्या करने के लिए, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने वालिद साहब के फुटस्टेप्स पर चलते हुए, हर्मन आइंस्टाइन जो कि एक साइंटिफिक एपरेटस के सेलर थे और साइंस की चीज़ों में वो घिरे रहते थे, तो एक एक बेटे होने के नाते उन्होंने ये सब कुछ देखा। ज़ाहिर है जो कुछ अपने बाप को करते देखा वही कुछ उन्होंने सोचा कि वो भी करेंगे, और उसी वजह से वो किसी न किसी तरीके से मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की तरफ उनका रुझान गया। वो कहते हैं अगर मेरे पास ये सेंसेस ना होते, मेरे पास ये अप्रोचेस ना होती तो मेरे लिए भी जिंदगी खाली होती। एक इशारा है उस कम्युनिटी की तरफ कि जो अपने आप में मगन रहती है और बिना कुछ किए ये उम्मीद करती है कि उसके लिए सब कुछ हो जाएगा, या बिना कुछ किए वो ये सोचती है कि सब कुछ वो कर लेंगे। तो कुछ करने के लिए कुछ सोचना और कुछ इरादा करना जरूरी है। द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर, यहाँ एंडेवर का मतलब, एंडेवर आपने पहले भी नोट किया है, वहां पर आपने अटेम्प्ट लिखा, यहाँ पे आप स्ट्रगल देख सकते हैं, बात एक ही है। द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर, मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस, लग्जरी, हैव ऑलवेज सीम्ड टू मी कंटेम्प्टेबल। यहाँ कंटेम्प्टेबल का मतलब है हेटफुल, डिसग्रेसफुल, यानी कि जिस चीज को वो हकारत से देखते हैं। कहते हैं इंसान दुनिया में जिन आम से मामलात के लिए कोशिशें करता है, कोशा नजर आता है, जिनमें प्रॉपर्टी बनाना, जिनमें जाहिरी कामयाबी के पीछे दौड़ना, जिनमें अपनी जिंदगी में आसाइशों की तलाश करना, वो कहते हैं ये सारी चीजें किसी और के लिए जरूर अहमियत की हामिल होंगी, लेकिन मेरे नजदीक ये तमाम चीजें नफरत अंगेज हैं, मैं इनके लिए नहीं जीता। बड़ी अजीब सी बात है, एक बंदा जिसके पास दौलत की कमी नहीं थी, एक बंदा जिसके पास कामयाबी ही कामयाबी थी, एक बंदा जिसकी जिंदगी में बेपनाह लग्जरीज थी, फिर भी वो ये बात कहते हैं कि उन्हें इन तीनों चीजों से कोई गर्ज नहीं, वो इन्हें नफरत अंगेज समझते हैं। ये जाहिर करता है एक ऐसे इंसान को कि जो जाहिर से कुछ और नजर आने लगा था लेकिन उसका बातिन बहुत सादा है। आइए आगे बढ़ते हैं, मजीद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहना है। माय सोशल सेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज ऑलवेज कंट्रास्टेड ऑडली विद माय प्रोनाउंस्ड फ्रीडम फ्रॉम द नीड फॉर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। इससे पहले कि हम इसकी डिस्कशन करें, पहले तो यहाँ पर मौजूद जो वर्ड है प्रोनाउंस्ड, लफ्जी तौर पर इसका मतलब डेफिनेट या डिजर्विंग, दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी किसी चीज का हक रखना, किसी चीज का बरहक होना। अपने इजहार, अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन मजीद आगे बढ़ते हुए लिखते हैं कि मैं अगर अपने नजरिए से मुआशरती इंसाफ और मुआशरती जिम्मेदारी की बात करूं तो मैं देखता हूं कि एक तरफ मुआशरती इंसाफ और मुआशरती नजरिया है, जिम्मेदारियां हैं, और दूसरी तरफ मेरी अपनी जरूरत है और मेरी अपनी वो डिजर्विंग फ्रीडम है, वो आजादी है कि जो मैं अलग रखता हूं, जिससे चाहूं मिलूं, जिससे चाहूं ना मिलूं, यानी इंसानों से ताल्लुक रखने का भी और कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने का भी। कहना चाह रहे हैं आसान लफ्जों में कि एक आजादी का नजरिया उनका अपना है जो बिल्कुल अलग है और जो बिल्कुल अलग ही होना चाहिए, ही बिलीव्स, और एक आजादी का नजरिया, इंसाफ का नजरिया, जिम्मेदारी का जो एहसास है वो दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है। तो दुनिया की सोच और उनकी सोच में बड़ा फर्क उन्हें दिखता है।
यानी वो एक बार फिर एक पुरानी बात रिपीट कर रहे हैं, वो एक डिसबिलीवर है इस मामले में ना, यानी वो एक तन्हाई पसंद है, वो लोगों से कटा कटा रहकर जीना पसंद करते हैं, जबकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग बहुत से आपको दिखते भी नहीं भी दिखते। आगे बढ़ते हुए लिखते हैं, आई गैंग माई ओन गेट, मतलब पहले लिख लीजिएगा आई वॉक माई ओन वे, मैं अपने रास्ते खुद तैयार करता हूँ, मैं अपने रास्ते खुद चलता हूँ। आई गैंग माई ओन गेट एंड हैव नेवर बिलोंग्ड टू माई कंट्री, माई होम, माई फ्रेंड्स और इवन माई इमीजिएट फैमिली विथ माई होल हार्ट। गौर करिएगा इसका मफहूम थोड़ा गहरा है। वो कहते हैं भाई मैं तो अपने रास्ते चलता हूँ और अपने तर्ज की जिंदगी गुजारते गुजारते मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि ना तो अपने वतन में रहकर मैं अपने वतन से जुड़ा रहा हमेशा, ना अपने घर में रहकर मैं अपने घर से जुड़ा रहा, ना अपने दोस्तों के बीच रहकर मैं उनसे जुड़ा रहा, ना अपने करीब तरीन फैमिली मेट्स को अपने आसपास देखकर भी मैं उनसे पूरे दिल से जुड़ा रहा। इन द फेस ऑफ ऑल दीज टाइज यानी रिलेशंस आई हैव नेवर लॉस्ट एन ऑब्स्टिनेट सेंस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ द नीड फॉर सॉलिट्यूड, अ फीलिंग व्हिच इंक्रीजेस विद द इयर्स। यहाँ पे दो वर्ड्स पहले नोट करते हैं, ऑब्स्टिनेट यानी कि किसी चीज का बजिद रहना, फिक्स्ड रहना, ऑब्स्टिनेट का लफ्ज़ी मतलब स्टबर्न होने के हैं यानी अनफ्लेक्सिबल होने के हैं, और सॉलिट्यूड का मतलब यहाँ पर प्राइवेसी है, अ रिलेटिवली इजीयर वर्ड। मकसद सुनिएगा, वो कहते हैं कि इन तमाम तर रिलेशंस के आसपास होने के बावजूद भी, इनके बीच रहने के बावजूद भी, कभी भी मैंने अपने अंदर मौजूद उस हमेशा की तरह रहने वाले एहसास से जुदाई को अपने से कभी अलग होते नहीं देखा। यानी वो कहते हैं कि बचपन से वो इस उम्र को पहुंच गए कि जब वो कंदजहन कहे जाते थे तब से, और आज जब वो एक कामयाब थियोरेटिकल फिजिशिस्ट हैं, उन्होंने कभी भी अपने अंदर तन्हाई पसंदी को कम होते नहीं देखा। वो लोगों से दूर दूर रहने का मिजाज रखते थे, ये वो एहसास था जो कि गुजरते सालों में कम नहीं बल्कि उल्टा ये बढ़ने लगा। और जब ये चैप्टर लिखा गया तो बकौल एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये एहसास उनमें अब बेपना बढ़ चुका है। अपने इजहार का अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आगे लिखते हैं, वन इज शार्पली कॉन्शियस येट विदाउट रिग्रेट ऑफ द लिमिट्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी विद वन्स फेलो क्रिएटर्स। जरा गौर करिएगा इसका मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल भी है लेकिन आसान करता चलूं। वो कहते हैं कि हर इंसान बिना किसी पशेमानी के, बिना किसी निदामत के वाकिफ होता है अपने मुख्तलिफ रिलेशंस को देखकर, उनकी अंडरस्टैंडिंग करते हुए और ये जानते हुए कि हर एक से उसने कैसा ताल्लुक रखना है। इसकी एक मिसाल मैं यूं दूंगा कि मुझे और आपको इस बारे में पता है, एक इंसान अपने वालिद से कितना जुड़ा हुआ है, अपनी वालदा से वो कितना जुड़ा हुआ है, दो अलग अलग ताल्लुक हैं। अपने दोस्तों से किस हद तक की उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अपनी बेगम से किस हद तक की लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अपने बच्चों से किस हद तक की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एक इंसान एक तरह से सबको रिस्पेक्ट नहीं देता, किसी को ज्यादा किसी को कम, और जिसमें उसे कोई पशेमानी नहीं होती। मिसाल के तौर पे अपने वालिद की वो सबसे ज्यादा इज्जत कर रहा है, और हो सकता है कि अपने दोस्तों में से किसी मखसूस दोस्त की वो बहुत इज्जत नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे में उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन ये इंसान का मिजाज है, और ऐसा करने में जब उसे कोई पशेमानी नहीं होती तब दो चीजें होती हैं। नंबर वन, आगे लिखते हैं, सच अ पर्सन नो डाउट लूजेस समथिंग इन द वे ऑफ जेनियलिटी एंड लाइट हार्टेडनेस। पहले तो यहाँ पे वर्ड नोट करिएगा, जेनियलिटी जिसका मतलब है फ्रेंडलीनेस, दोस्ती नहीं, दोस्ती पर मबनी नजरिया और फीलिंग। ऐसा इंसान बेशक अपने इस तरह के अंदाज के नाते कुछ ना कुछ खो देता है, यानी नरम दिली के चक्कर में भी और बहुत ज्यादा दोस्ताना रवैया अख्तियार करने के चक्कर में भी। ऑन द अदर हैंड, लेकिन जहां देखा जाए दूसरी तरफ, द सेकंड थिंग, ही इज लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द ओपिनियंस, हैबिट्स एंड जजमेंट्स ऑफ हिज फेलोज। एक तरफ तो वो कुछ खो रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ
वो अलग थलग भी हो जाता है। वो अपनी आजाद राय अपने लिए भी रखता है और दूसरों की भी राय पर दखल अंदाजी नहीं करना पसंद कर रहा होता है। जहां उसकी आदत उसके लिए अलग है तो वो दूसरों की आदत पर भी पिन पॉइंट करना छोड़ चुका होता है। एंड अवॉइड्स द टेम्पटेशन, जैसे कि ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया, लिखा बाद में है, एंड अवॉइड्स द टेम्पटेशन टू टेक हिज स्टैंड ऑन सच इनसिक्योर फाउंडेशन। आखिरी के दो वर्ड्स का मफहूम नोट करते हुए, जाहिर टेम्पटेशन इन एक्साइटमेंट और फाउंडेशन रिलेशन यानी टाइज, ना सिर्फ कि वो खुद को, दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी में, लोगों की जिंदगी का अपनी जिंदगी में दखल अंदाज होना खत्म कर पाता है, उनसे बच पाता है, अपने फैसले अपनी आदत करने का वो अकेला मिजाज है। ठीक उसी तरीके से वो लोगों की भी जिंदगियों में मेडल यानी इंटरफेयर करने से बच जाता है, क्योंकि ये रिलेशंस थोड़े पेचीदा होते हैं। इनसिक्योर फाउंडेशंस का मतलब छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं झगड़े हो जाना, तो बड़े नाजुक मामला होते हैं बाज रिलेशंस में, तो वो अपने आप को इन चीजों से दूर रखता है। आसान लफ्जों में इस पैराग्राफ का मतलब सिर्फ ये है कि एक इंसान अगर बेजरर रहता है, जैसे खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, तो ऐसे में लोग अगर उसकी केयर करना छोड़ देते हैं तो वो भी लोगों की केयर करना काफी हद तक छोड़ चुका होता है। तो ऐसे में ही बिलीव वो थोड़ा सा ओपन माइंड होकर अपनी जिंदगी जी सकता है। ये पैराग्राफ थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन अपने आप को मजीद आगे डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं, माई पॉलिटिकल आइडियल इज दैट ऑफ डेमोक्रेसी। सियासी नजरिए की बात करूं तो मैं जमहूरियत पसंद हूं। इन्होंने कॉमन नजरियात की बात की थी, तो वहां पर उन्होंने ट्रूथ, गुडनेस और ब्यूटी की बात की थी। रिमेंबर दोस थ्री आइडियल्स। तो ये नजरिया अलग है, ये सियासी नजरिया है। कहते हैं, लेट एवरी मैन बी रिस्पेक्टेड एज एन इंडिविजुअल एंड नो मैन आइडलाइज्ड, यानी आइडलाइज यानी वर्शिप्ड। किसी इंसान को इतना ना चाह लो, इतना ना उसके पीछे पड़ जाओ कि उसकी पूजा पाठ शुरू हो जाए, उसकी परस्तिश शुरू हो जाए। वो कहते हैं कि हर इंसान को रिस्पेक्ट जरूर दी जाए एक इंडिविजुअल होने के नाते, लेकिन किसी इंसान की परस्तिश ना की जाए। इट्स एन आयरनी ऑफ फेट, कुछ बदकिस्मती ऐसी है, दैट आई एम माई सेल्फ हैव बीन द रिसिपिएंट ऑफ एक्सेसिव एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम माई फेलोज थ्रू नो फॉल्ट एंड नो मेरिट ऑफ माई ओन। वो कहते हैं कि जहां किसी इंसान की इतनी इज्जत ना हो जाए कि उसकी पूजा शुरू कर दी जाए, वहां पर बदकिस्मती तो यह है कि मैं खुद कुछ बहुत सारे ऐसे लोगों की मोहब्बत और हद से ज्यादा इज्जत अफजाई का शिकार हूं कि जो मेरे आगे ऐसे बिछ गए हैं जैसे वो मेरी पूजा कर रहे हों, जिसमें ना तो मेरी कोई गलती है ना तो मेरी मेरा कोई बड़प्पन है। यानी वो कहते हैं मैं एक आम सा आदमी हूं, दुनिया में रहने के लिए अपने अपनी क्रिएशन को प्रूव करने के लिए मैंने दुनिया में आकर कुछ करना था तो वो मैंने किया। द कॉज ऑफ दिस मे वेल बी द डिजायर अनअटेनेबल फॉर मेनी टू अंडरस्टैंड द वन और टू आइडियाज टू विच आई हैव विद माय फीबल पावर्स अटेंड थ्रू सीजलेस स्ट्रगल। पहले तो दो वर्ड्स यहाँ पर नोट करते चले। नंबर वन, एक तो फीबल यानी वीक। अच्छा, ये वर्ड्स हम पहले कई जगहों पर नोट कर चुके हैं कई चैप्टर्स में। और ऑब्वियसली सीजलेस यानी बिना रुके, तो कॉन्स्टेंट अंथक मेहनत को यहाँ पर सीजलेस स्ट्रगल कहा गया है। तो आइए एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो बात हो रही है एल्बर्ट आइंस्टाइन के उस ख्याल की कि जहां वो कहते हैं कि इंसान की परस्तिश ना हो, बदकिस्मती से उनकी परस्तिश होती है, और फिर कहते हैं कि शायद वजह ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो वो डिजायर नहीं कर पाए जो उन्होंने की। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइंस के शोबे में खुद को आगे बढ़ाया, क्यों? क्योंकि वो साइंस के शोबे में अपना इंटरेस्ट देख पाए। तो जो लोग इंटरेस्ट जिस फील्ड में देख पाते हैं उसमें आगे निकलने में कोई नई बात तो नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन हैरान है, मैंने नया क्या किया। लेकिन ऐसे में वो लोग कि जो ना तो इंटरेस्ट रखते हैं, और जब इंटरेस्ट नहीं रखते तो फिर उनको हर चीज नामुमकिन नामुमकिन अनअटेनेबल लगती है, अनअचीवेबल लगती है। तो ऐसे लोग जो है फिर वो किसी ऐसे इंसान को कि जो उनके लिए अनअटेनेबल हो और वो करता नजर आ जाए,
उसकी तो फिर पूजा ही करेंगे ना। तो वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने कमजोर दिमाग का इस्तेमाल करके, मैंने अपनी अपनी हल्की फुल्की जो है वो सोच को लगाकर, अनथक मेहनत करके एक और दो आइडियाज पर मेहनत कर ली। जाहिर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जरूर आपको लगता है कि दी होगी, लेकिन एक्चुअली इनके कंपोनेंट्स आइजक न्यूटन और इससे भी पहले के साइंसदानों ने दिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन मौजूदा आइडियाज को और उसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढते हुए उन पर दोबारा वर्किंग की और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की इक्वेशन भी तैयार की। तो जो चीजें थी उस पर उन्होंने मेहनत की, क्या नया किया? वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो खुद मेहनत नहीं करते, कोई और किसी चीज पर मेहनत कर जाए तो वो उसकी उसके उससे अमेज हो जाते हैं, उससे इंस्पायर हो जाते हैं। इंस्पायर होना बुरी बात नहीं है व्हाट अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, लेकिन एक इंसान की एफर्ट के आगे उसको खुदा बना देना ये गलत है। इस चीज को मजीद क्लैरिफाई करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन देखिए अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं। आई एम क्वाइट अवेयर दैट इट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग दैट वन मैन शुड डू द थिंकिंग एंड डायरेक्टिंग एंड इन जनरल बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो अंडरटेकिंग ऑफ द मिशन, एक किस्म का विजन जिसमें मौजूद हो ऐसा मिशन। मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूं कि जरूरी है किसी कामयाब मिशन को कामयाब बनाने के लिए कि उसमें मौजूद किसी एक ही इंसान को ये जिम्मा दिया जाए कि वो सोचे और फिर लोगों को गाइड भी करे और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाए। वो कहते हैं कि ये सच है कि किसी एक चीज की अगर दरियाफ्त हो रही हो, इजाद हो रही हो, तो उसका बानी और उसका जो बड़ा है वो एक ही इंसान होना चाहिए, थिंक टैंक किसी एक जहन में होना चाहिए। बट दे मस्ट नॉट बी कंपेल्ड, मगर इतना कुछ किसी एक इंसान में देखने के बाद भी, यहाँ दे से मुराद एक से ज्यादा लोग यानी पीपल, इतना कुछ एक किसी एक इंसान में देखने के बाद भी लोगों को फिर भी मजबूर होकर फैसला नहीं लेना चाहिए कि यार नहीं ये एक बंदा जीनियस है इसी को फॉलो कर लो। दे मस्ट बी एबल टू चूज देयर लीडर, उन्हें इस काबिल तो होना चाहिए ना कि वो कुछ नहीं कर सकते तो लीडर तो अच्छा चुने। बात सिर्फ यूरोप की ही लेवल पे नहीं हो रही, एल्बर्ट आइंस्टाइन तो खैर यूरोप की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की। हम इसे अपने नजरिए में रखकर देखें, हम अंधे बहरे हैं, हम ऐसे लीडर्स का इंतखाब बार 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 कर लेते हैं उनसे चोट खाने के बाद भी। तो कहने का मतलब इंसान के पास इतनी तो सोच हो कि वो अच्छे इंसान का ही इंतखाब कर ले, और कुछ नहीं कर सकता। तो देखिये वो आगे लिखते हैं, एन ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ कोअर्शन। अच्छा, ऑटोक्रेटिक और कोअर्शन दोनों का मतलब यहाँ पे नोट करिएगा, द वर्ड इज डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर्स का निजाम, और कोअर्शन का मतलब जो प्रेशर में बनाया जाए यानी फुल ऑफ फोर्स बनाया जाए। एक ऐसा निजाम जो कि डिक्टेटरशिप पर बनाया जाए, इन माई ओपिनियन सून डी जनरेट्स। ऐसा निजाम मेरे हिसाब से बहुत जल्द गिर पड़ता है, कोलैप्सिस या फॉल्स या वीकेंड्स। फॉर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स मैन ऑफ लो मोरालिटी, क्योंकि सख्ती हमेशा बुरे लोगों को ही अपनी तरफ खींचती है। एंड आई बिलीव इट टू बी एन इनवेरिएबल रूल दैट टायरेंट्स ऑफ जीनियस आर सक्सीडेड बाय स्काउंडरल्स। पहले तो यहाँ दोनों वर्ड्स नोट करते हुए, जैसे इनवेरिएबल का मतलब कॉन्स्टेंट होना, एक ही किस्म का कानून हमेशा के लिए बने रहना जिसे आप बदल ना पाए। जैसे डिक्टेटरशिप, अगर कि ये बीमारी किसी हुकूमत को लग जाए तो बहुत मुश्किल होता है कि इसे ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को जो है वो लाया जाए। तो स्काउंडल्स का जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब यहाँ पे बैड गाइस, विलन्स, बुरे लोग, तवज्जो रखिएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो कानून या वो हुकूमत है कि जिसको फिर एक बार अगर बुरा बुरा बनते देख लिया जाए तो ऐसी हुकूमत को फिर फॉलो करने वाले भी बुरे ही आते हैं। यानी एक नस्ल है जो कि बुराई करने के हक में हो और लोगों का हक मारना पसंद करे, उन्हें डिक्टेट करे, एक बार ऐसी हुकूमत लगने की देर है कि फिर आने वाली जो नस्लें हैं वो उनके पैरोकार फॉलोवर्स बन जाते हैं और इसी तरीके से वो भी हुकूमत कर रहे होते हैं।
जाहिर उनका इशारा यूरोप में और बिलखुसूस ऐसी कंट्रीज की तरफ है जो यूरोप में कम्युनिज्म का शिकार रही, और अपने जमाने में उन्होंने ये बुराई महसूस की। ऐसे कई ऑथर्स ने, आपको याद होगा कि कई चैप्टर्स हमने इस तरह पढ़े हैं जिनमें इसी दौर के बारे में खास तौर पे ऐसे ही जिक्र किया गया है। फॉर दिस रीजन आई हैव ऑलवेज बिन पैशनेटली अपोज टू सिस्टम्स सच एज वी सी इन इटली एंड रशिया टूडे। देखिए वो क्लियर वर्ड्स में क्या लिखते हैं कि इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा मुखालफत करूंगा उन निजामों की कि जिस तरह का तर्ज हुकूमत और निजाम हम आज अपने जमाने में इटली और रशिया में देखते हैं। यहाँ आज से मुराद एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दौर की बात कर रहे हैं, और जाहिर ये वही दौर है जहां पर इटली और रशिया में कम्युनिज्म का बहुत दूर दौरा था और जिसके नतीजे में वहां मौजूद ह्यूमैनिटी को बहुत मुश्किल का सामना था। अपने वर्ड्स को आगे बढ़ाते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, द थिंग दैट हैज ब्रॉट डिसक्रेडिट अपॉन द प्रिवेलिंग फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन यूरोप टुडे इज नॉट टू बी लेड टू द डोर ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडिया एज सच। पहले तो डिसक्रेडिट का मतलब यहां पर जैसे शेम, वो चीज, वो अमल कि जिसने यूरोप में आज के जमाने में फैलती हुई डेमोक्रेसी के अमल को शर्मिंदा कर रखा है, वो दरहकीकत असल में डेमोक्रेटिक आइडिया की तरफ लोगों का जहन ले जाने के लिए है ही नहीं। यानी आज यूरोप में भले कुछ हालात बेहतर दिखे, लेकिन जाहिर है बात दरअसल हो रही है एक ऐसे दौर की, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब डेमोक्रेटिक आइडिया महज एक जुमला था, एक ख्याल था। लोगों को हकीकतन डेमोक्रेसी क्या होती है इसका शायद या तो पता नहीं था या उन्हें इसके बारे में कभी सही तरह बताया ही नहीं गया। वो इसी बात पर शिकवा करें कि शायद आज यूरोप में डेमोक्रेसी का जनाजा इसीलिए निकल गया क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में सही तरह किसी को किसी ने बताया ही नहीं, और खास तौर पे बट टू लैक ऑफ स्टेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड टू द इम्पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम। पहले आप वर्ड नोट करेंगे, इम्पर्सनल यानी न्यूट्रल। ना सिर्फ के सिर्फ ये नहीं कहा जाए कि यूरोप में डेमोक्रेसी का जनाजा सिर्फ इसलिए नहीं निकाला गया कि लोगों को डेमोक्रेटिक आइडिया से कभी शनासाई सही तरह दी ही नहीं गई, बल्कि खास तौर पे हुकूमतों के लेवल पर जो निजाम है, इलेक्शंस का निजाम है, उसमें लोगों का जो किरदार है वो मुनसिफाना नहीं नजर आता। यानी कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो बहुत ज्यादा बेहतर जो है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। तो इन आसान इसे आसान लफ्जों में अगर डिस्क्राइब कर सकूं तो ये कहना चाहूंगा कि आज अगर यूरोप में जमहूरियत का दिवालिया निकला हुआ है तो उसकी दो वजूहात है। ना सिर्फ के लोगों को जमहूरियत के सही नजरिए से ना वाकिफ रखा गया है, बल्कि लोगों के लाए गए जो हुक्मरान है वो लोगों की बका के लिए सही तरह काम नहीं कर रहे, और या तो सही इलेक्शन का निजाम ही नहीं है। यानी जो लोग इलेक्ट किए गए हैं वो बहुत बुरे तरीके से, बहुत गलत तरीके से लाए गए। हमारे मुल्क में जैसे अक्सर धांधली का रोना आप देखते हैं कि रोया जाता है, और जो कि किसी हद तक गलत नहीं भी है, ऐसा ही होता है। और फिर ऐसे लोगों को हमारे सर पर हुक्मरान बनाकर लाया जाता है कि जो शायद हमारे हमारे चॉइस के ना हो, लेकिन फिर भी वो हम पर आकर बैठते हैं, जो जाहिर है कि फिर जिस तरह आते हैं उसी तरह आपके लिए और मेरे लिए काम भी करते हैं, इन शॉर्ट नहीं करते। तो ऐसा ही एक दौर शायद यूरोप का उस वक्त गुजर रहा था जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सारी बातें लिखी। आई बिलीव दैट इन दिस रिस्पेक्ट, अब गौर करिएगा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की किस मद में तारीफ कर रहे हैं। आई बिलीव दैट इन दिस रिस्पेक्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव फाउंड द राइट वे। इस हवाले से जहां वो इटली और रशिया की बदहाली का जिक्र कर चुके हैं, वो तारीफ करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, कहते हैं कि मेरे हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सही रास्ता मिल गया है। दे हैव अ रिस्पॉन्सिबल प्रेजिडेंट हु इज इलेक्टेड फॉर अ सफिशियंटली लॉन्ग पीरियड एंड हैज सफिशियंट पावर्स टू बी रियली रिस्पॉन्सिबल। वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ना सिर्फ के एक जिम्मेदार सदर मुमलिकत है जो कि एक अच्छी मुद्दत के लिए इलेक्ट भी किया जाता है, बल्कि उसके पास इतने इख्तियारात जरूर होते हैं कि जिसके तहत वो अपनी जिम्मेदारी को खुलकर निभा सके।
इसके बाद आगे बढ़कर वो कहते हैं, ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, व्हाट आई वैल्यू इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज द मोर एक्सटेंसिव प्रोविजन दैट इट मेक्स फॉर द इंडिविजुअल इन केस ऑफ इलनेस और नीड. जैसे प्रोविजन फैसिलिटी को कहा जा सकता है, किसी बेहतर चीज का मुहैया करना. कहते हैं, दूसरी तरफ मैं अपने सियासी निजाम में जिस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देना पसंद करता हूं, वो एक ऐसा निजाम होना चाहिए जो किसी आम इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए उसकी जरूरत, उसकी बीमारी के मौके पर उसकी फैसिलिटेशन की सूरत में होनी चाहिए. यानी हुकूमतें इसलिए नहीं बनाई जाती कि अमीर लोगों का भला हो, हुकूमतें बिलखसूस इसलिए बनाई जानी चाहिए कि जहां पर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की बका और सलामती के बारे में सोचा जा सके, उसकी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी की जा सके, उसकी बीमारी के मौके पर उसके लिए चीजों को अवेलेबल रखा जा सके ताकि वो कहीं दरबदर ना हो. द रियली वैल्यूएबल थिंग इन द पेजेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ सीम्स टू मी नॉट द स्टेट बट द क्रिएटिव सेंटिएंट इंडिविजुअल द पर्सनैलिटी. पहले इन दो वर्ड्स को जरा नोट करते, पेजेंट पेज जो नजर आए, तो पेजेंट का मतलब यहां पे वो डिस्प्ले जो जाहिर हो, नजर आए. सेंटिएंट का फिगरेटिव सेंस यहां पर बनता है कॉन्शियस होने के, बाजमीर होने के, जागे रहने के, अवेयर होने के. फोकस बनाए रखिएगा. सबसे ज्यादा काबिले अहमियत जो चीज है इंसान की जिंदगी के एतबार से और जो उसके लिए दिखनी चाहिए, वो मेरे हिसाब से किसी रियासत की भलाई नहीं है. एक रियासत बहुत शानदार हो, बहुत बढ़तर, हुकूमत बड़ी ताकतवर हो, नहीं 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 जी, एक इंसान की जिंदगी के डिस्प्ले पर एक रियासत की छाप नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव सेंस की छाप होनी चाहिए, एक कॉन्शियस इंडिविजुअल की छाप होनी चाहिए, द पर्सनैलिटी. यहां पे वो कहना चाह रहे हैं कि वो क्या हुकूमत हो जो आए, लूट मार करे और चली जाए. ऐसी हुकूमत नाकाम रहती है, और फिर ऐसे में भी वो नाकाम होती है कि वो अपने दौरे हुकूमत में लोगों को किसी काबिल भी ना बना पाए. वो कहते हैं कि हुकूमत का काम ऐसा हो कि जिसमें हर एक इंडिविजुअल में क्रिएटिविटी पैदा हो, जमीर का जागा होना उनमें बेदार हो जाए, वो कॉन्शियस हो जाए, वो पर्सन से पर्सनैलिटीज में कन्वर्ट हो जाए, वो सोचने वाले बन जाए. एल्बर्ट आइंस्टाइन यहां पे यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे वो कुछ ना होकर कुछ बन पाए महज इसलिए क्योंकि वो सोच सकते थे. वो यही चाहते हैं कि हर इंसान के अंदर ये एबिलिटी मौजूद हो. इट अलोन क्रिएट्स द नोबल एंड द सबलाइम. सबलाइम को अगर नोट करते हुए, जाहिर है कि इंस्पिरेशन. इट अलोन क्रिएट्स द नोबल एंड द सबलाइम. सिर्फ इस एक एहसास से एक नोबल और एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर की तखलीक होती है, एक तैयारी हो जाती है. ये तैयारी उन्हीं के लिए होती है जो कुछ करना चाहें, जो जागे नजर आए, जो क्रिएटिव हो, जो पर्सनैलिटी बनना चाहे. व्हाइल द हर्ड, देखें हर्ड का वर्ड पहले भी यूज हुआ, हर्ड ऑफ स्वाइन, जानवरों के एक मजमे को कहा जा रहा है. व्हाइल द हर्ड एज सच रिमेन्स डल इन थॉट एंड डल इन फीलिंग. वरना दूसरी तरफ जानवर तो जानवर है, वो अगर ना सोचे तो वो थॉट के एतबार से भी डल रहे और अपनी फीलिंग्स के एतबार से भी डल रहे. यानी कि जानवर ना पहले कभी कुछ करते हैं ना आगे कभी कुछ करेंगे. इंसान ही अशरफुल मखलूकात है, अमल वही कर सकता है. जानवर फिर जानवर है, वो कोई काम ना करते थे ना कर सकते हैं. इन यहाँ पर इशारा जाहिर है कि उन लोगों की तरफ है. एक बार पहले भी मैं ये बात कह चुका हूँ कि जो लोग बिना कुछ किए कुछ कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं, बिना कुछ बने, किसी को कुछ करते देखकर उसको ही अपना आका तस्लीम कर लेते हैं. अरे भाई, इंसान वो आका भी है और तुम भी हो, तो तुम भी कुछ कर सकते हो, कुछ अच्छा करके कुछ अच्छा बन सकते हो. इंसान हो, अपनी अपने आप को इंसान साबित करने के लिए कुछ करो, वरना जानवर तो फिर जानवर है. आगे बढ़ते हुए कहते हैं, वॉट सीम्स टू मी, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव में. जंग और एल्बर्ट आइंस्टाइन, माना जाता रहा है कि ये दोनों एक ही चीज है. और एल्बर्ट आइंस्टाइन पर उनके एक जमाना गुजरा जब उन पर बड़ी कड़ी तनकीद हुई. जब अगस्त 1939 में
उस जमाने के यूएस प्रेसिडेंट को एक लेटर के तहत एल्बर्ट आइंस्टाइन ये सजेशन देते हैं कि भाई आप अगर के दुनिया के सामने डोमिनेंट बनना चाहते हैं, अपना दिफा मजबूत करना चाहते हैं, तो इट्स अ राइट टाइम टू क्रिएट एन एटॉमिक बॉम्ब। ये एक तहलका मचा देने वाली डीलिंग थी कि जिसके बाद 6 सालों बाद इन 1945 द सेम टाइम अगस्त, जब अगस्त के पहले हफ्ते में जापान के शहर हिरोशिमा और दूसरे शहर नागासाकी में अटैक्स हुए, अमेरिका ने हमला किया, जिसके नतीजे में जाहिर है कि बड़ी बर्बादी हुई। इसका सारा ब्लेम एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया गया, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन इस वाकये से 14 साल कबल पहले ये बयान कर चुके थे कि वो जंग के बारे में क्या सोचते हैं। जरा मैं पढ़ने जा रहा हूं, गौर करिएगा बेटा। वॉर सीम्स टू मी अ मीन कंटेम्प्टेबल थिंग, मेरे लिए जंग एक इंतहाई संगीन, क्रूल और एक इंतहाई नफरत अंगेज मामला है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये बात कर रहा है। आई वुड रादर बी हैक्ड इन पीसेस देन टेक पार्ट इन सच एन अबोमिनेबल बिजनेस। अबोमिनेबल का मतलब बहुत ज्यादा खौफनाक, मॉन्स्ट्रस या टेरिबल या डिजास्ट्रस। मैं टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने को तरजीह दूंगा बजाय ये तस्लीम किया जाए मेरे बारे कि मैं जंग जैसे मामलात के हक में हूं। मुझे मार दो, मगर इस खौफनाक अमल जिसे वो अबोमिनेबल बिजनेस कह रहे हैं, विच इज वॉर, मुझे ना कहो कि मैं इनमें किसी किस्म का शरीक हूं या मैं इनके हक में हूं। एंड येट सो हाई इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग इज माई ओपिनियन ऑफ द ह्यूमन रेस दैट आई बिलीव दिस बॉगी। अच्छा, बॉगी यहाँ पे कहा जा रहा है किसी के मॉन्स्टर को, द टाइप ऑफ अ फियर, मॉन्स्टर ऑफ फियर। दिस बॉगी वुड हैव डिसअपीयर्ड लॉन्ग अगो। वो कहते हैं कि और फिर भी इंसानियत को जहन में रखते हुए मेरी ओपिनियंस तो बिल्कुल अलग है, और मैं ये बात मानता हूं कि ये फिक्र, ये डर, ये खौफनाक मॉन्स्टर जिसे जंग के नाम से जाना जाता है, कई सालों पहले ही ये फलसफा गायब हो चुका होता, हैड द साउंड सेंस ऑफ द नेशंस नॉट बीन सिस्टमैटिकली करप्टेड बाय कमर्शियल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स एक्टिंग थ्रू द स्कूल्स एंड द प्रेस। बड़ी गहरी बात कर दी यहां पर। अगर के तमाम अकवाम यानी कौमों को सिस्टमैटिकली करप्ट ना किया गया होता, किसके जरिए से? अपने कमर्शियल मफादों पर, मफादात पर, और सियासी मफादात पर, और जिनके लिए स्कूल्स और प्रेस से उन्होंने ये अगर करप्शन ना फैलाई होती, यानी अगर किसी माशरे में उस माशरे का प्रेस, मीडिया, और उस माशरे में जिस माशरे में बच्चों की स्कूलिंग अगर पॉजिटिव हो, यानी लोगों के दिलो दिमाग में उस जगह पर अगर ये ख्याल डाला जाए कि जंग एक एक मॉन्स्ट्रस एलिमेंट है, इससे किसी का भला नहीं हो सकता, अगर कि ये मुस्बत कार्रवाई स्कूलिंग से या प्रेस या मीडिया से की जाए, तो शायद कोई माशरा जंग का रास्ता अख्तियार करने की सोचे भी ना, और ये ख्याल भी खत्म हो जाए कि जंग कोई एलिमेंट है, जंग भी होना जरूरी है। मगर हमारे माशरे ने तो गलत रविश अख्तियार कर ली है। स्कूल्स और प्रेस अपना रोल सही तरह प्ले नहीं कर रहे। अगर यही अपना रोल प्ले करते तो जंग का फलसफा और इसका डर आज किसी के दिलो दिमाग में ना होता। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं। टू कंटिन्यू, अब एक नए मुद्दे की तरफ आ गए। एक इंसान को क्या करना चाहिए इस दुनिया में? ही एक्सप्लेन्स एंड गोज, द फेयरेस्ट थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज द मिस्टीरियस। सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज जिसका तजुर्बा हम कर सकते हैं वो एक मिस्ट्री है। अच्छा, मिस्टीरियस, एल्बर्ट आइंस्टाइन की इंग्लिश जाहिर है कि बेहतरीन नहीं मानी जाती रही, और उनके इस चैप्टर को थोड़ा वैसे ही बेहतर किया गया है। ओरिजिनल टेक्स्ट देखा जाए तो काफी कुछ डिफरेंट और अलग भी दिखेगा। मिस्ट्री लिखना चाह रहे होंगे, लेकिन कह यहाँ और लिख यहाँ मिस्टीरियस गए, इनका मतलब मिस्ट्री है। जो बेहतरीन चीज जिसका तजुर्बा हम और आप कर सकते हैं वो है मिस्ट्री। व्हाट इज मिस्ट्री? इनडायरेक्टली यहाँ मिस्ट्री का मतलब है रिलीजन, मजहब को मिस्ट्री कह रहे हैं। ज्यूइश फैमिली में बिलोंग करते रहे और बचपन से एक बड़ी उम्र तक ये सुनते रहे कि तुम तो ज्यू हो, तुम कहां मानते होगे खुदा को, और इस
ताने को सुन सुनकर इमेजिन करिए, क्या दिलो दिमाग में ये ख्याल इंसान के नहीं रहेगा कि किसी ना किसी दिन उसे इसी अमल पर काम करना है, इसी चीज की तलाश करनी है। दर हकीकत एल्बर्ट आइंस्टाइन इसी परेशानी के तहत ये मजमून लिख रहे हैं कि उन्हें खुदा मिल जाए। आ गए अपने पॉइंट पर। इट इज द फंडामेंटल इमोशन विच स्टैंड्स एट द क्रेडल ऑफ ट्रू आर्ट एंड ट्रू साइंस। और करिएगा, यहां पे फंडामेंटल का मतलब बेसिक या एसेंशियल, जरूरी, और क्रेडल एक किस्म के सपोर्ट को कहा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये वो बुनियादी इमोशन है कि जिसका ताल्लुक आर्ट से सही वाकफियत और साइंस से सही लगाव रखने की सपोर्ट की सूरत में इंसान को मिलता है। यानी कोई इंसान अगर नेचर को एक्सप्लोर करना चाहे और साइंस को एक्सप्लोर करना चाहे तो ही कहीं जाकर इस मिस्ट्री को, जिसे वो मिस्टीरियस लिख रहे हैं, इसकी वो डिटर्मिनेशन कर सकता है, तलाश कर सकता है। ही, एक आम बंदे की बात हो रही है, ही हु नोज इट नॉट एंड कैन नो लॉन्गर वंडर, नो लॉन्गर फील अमेजमेंट is as good as dead। ऐसा इंसान जो इन चीजों को, यानी ट्रू आर्ट और ट्रू साइंस को देखते हुए भी ना तो कुछ सोचने के काबिल रहे, ना तो उसे किसी तरह का कोई ताज्जुब हो पाए, तो वो, और ना ही वो हैरान होने के काबिल रहे, तो ऐसा है जैसे कि मुर्दा। एक जिंदा ही इंसान इन चीजों पर गौर फिक्र कर सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं मुर्दा और कुछ लोग होते हैं चलते फिरते मुर्दा। दुनिया में है लेकिन क्यों है, क्या करना है, दे डोंट देमसेल्व्स नो। अ स्नफ्ड आउट कैंडल, वो एक बुझी हुई मोमबत्ती की मानिंद है कि जिसके होने का जब तक वो जलाया ना जाए कोई फायदा ही नहीं। यानी ब्लोन ऑफ कैंडल, बुझा हुआ कैंडल। इट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्री, गौर करिएगा, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस एसे। इट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्री Even if mixed with fear, ये तजुर्बा उस अजीब व गरीब एलिमेंट का ही है, उस मिस्ट्री का है कि जिसमें अगर थोड़ा डर शामिल कर दिया जाए, I repeat, जिसमें थोड़ा डर शामिल कर दिया जाए, that engendered religion, engendered का मतलब created भी हो सकता है, caused भी हो सकता है। अगर के इस अजीब व गरीब अमल पर, मिस्ट्री पर डर को शामिल किया जाए, तो ये दोनों मिलाकर वजह बनते हैं, क्रिएट करते हैं मजहब को। मैंने आपसे कहा ना, जिस एक चीज की तलाश में है उसका जिक्र उन्होंने फाइनली कर दिया। एंड देन ही कंटिन्यूज, अ नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग वी कैन नॉट पेनिट्रेट। मैं फिर इस सेक्शन को कई सेंटेंसेस के साथ पढ़ूंगा। अ नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग we cannot penetrate, a knowledge of the existence of the manifestations of the profoundest reason and the most radiant beauty which are only accessible to our reason in their most elementary forms। pehle to inki meanings note kar lete hain। zara manifestations ka matlab ishare, signs, profoundest ka word use kiya jata tha, lekin aaj profoundest ek correct superlative degree nahi balki उसकी जगह हम मोस्ट प्रोफाउंड का वर्ड यूज कर लेते हैं। खैर, तो मीनिंग्स नोट करने के बाद, जैसे द वर्ड रेडिएंट, रेडिएंट का मतलब यहां पर है जॉयफुल, और एक्सेसिबल यानी अवेलेबल, और एलिमेंट्री भी सिंपल को या बेसिक को कहा जा रहा होता है। इन चार लाइनों का मफहूम जरा अच्छी तरह सुनते हुए, किसी ऐसी मौजूदा चीज का इल्म होना कि जिसकी हम तलाश ना कर पाए और जो के अपने तमाम तर इशारों, साइंस, और अपने तमाम तर रीजंस के साथ, अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ हमारे सामने मौजूद हो, लेकिन जो सिर्फ हमारी तरफ उस वक्त एक्सेसिबल हो जितना कि हमारे लिए उसकी एक बेसिक फॉर्म हो। मिसाल के तौर पर कोई चीज नेचर में हम तलाश करना चाहें लेकिन वो चीज दिखे, जैसे सूरज का चमकना दिखे, रोशन होना दिखे, उसकी रोशनी दिखे, दरख्तों पर पत्तों का जो है वो खिलना दिखे, फूलों का खिलना दिखे, हम इसे देखें और इस खूबसूरत नजारे को देखकर भी ये ना सोचें कि इससे हमें क्या दर्स मिलता है, तब तो बिल्कुल बेकार है।
जैसे कि वो कहते हैं, इट इज दिस नॉलेज, यही वो इल्म है जिसे सिर्फ देखना नहीं है, जो अपने बेसिक रीजंस के साथ मौजूद है, वो इसलिए क्योंकि वो आपको कहता है कि मुझे एक्सप्लोर करो, मुझे तलाश करो, मैं क्यों हूं, किसकी वजह से हूं। इट इज दिस नॉलेज एंड दिस इमोशन, यही तो वो इल्म और यही तो वो इमोशन है दैट कॉन्स्टिट्यूट द ट्रूली रिलीजियस एटीट्यूड, जो आपके अंदर एक रिलीजियस एटीट्यूड को बनाए रखने का जरिया बनता है। आप मजहबी उस सूरत में बनते हो जब आप चीजों को सिर्फ देखकर अनदेखा नहीं करते, बल्कि उन्हें देखकर सोचते हो ऐसा क्यों हुआ। बड़ी कॉमन सी मिसाल है, साइंस के स्टूडेंट्स ज्यादा इसको बेहतर समझेंगे, कि बहुत पुरानी कहानी कहानियों में से एक है कि आइजक न्यूटन को अपने सामने एप्पल गिरता दिखा, वो भी देखता छोड़ देता, कोई नई चीज तो नहीं है, चीजें गिरती हैं, लेकिन उसने उस गिरने के अमल को देखकर सोचा तो तलाश किया तो एक वक्त आया कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देने में कामयाब रहा। अगर इंसान सोच विचार नहीं करेगा, इल्म और अपने एहसासात को एक्सप्लोर नहीं करेगा, वो रिलीजियस एटीट्यूड नहीं रख सकता इन दिस सेंस, इसी एसना में हैंड इन दिस अलोन। और अगर सिर्फ इसके बारे में कहूं तो आई एम अ डीपली रिलीजियस मैन, जरा गौर करें वो किस चीज के लिए परेशान है पूरे चैप्टर में। मजहब, मैं ज्यू फैमिली में पैदा हुआ, मुझे लोग कहा करते थे यू ब्लडी ज्यू। एक बच्चा ये सुन सुनकर थक चुका था, उसने दुनिया में बहुत कुछ किया, लेकिन उसकी उसकी एक चीज की कमी, उसकी तलाश में उसने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, और जहां जिसकी वजह से वो साइंस की तरफ बढ़ा, उसने तलाश की। कहता है कि अगर यही नजरिया रिलीजियस होने के लिए है, तो मैं तो भैया बहुत रिलीजियस आदमी हूं, क्योंकि मैं अपने इल्म और अपने इमोशंस को रिसर्च करना चाहता हूं और करता हूं। आगे बढ़ते हुए कहते हैं, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वेरी चैप्टर, Enough for me the mystery of the eternity of life and the inkling of the marvelous structure of reality together with the single-hearted endeavor to comprehend a portion. मेरे लिए काफी हुआ इस अजीब मामले को ऊपर से पर्दा उठाने के लिए, जो कि जिंदगी की इटर्निटी को शो करता है। मेरे लिए काफी हुआ इसके बारे में कहना। इंकलिंग का मतलब यहां पर आइडिया, कॉन्सेप्ट, और हकीकत पर मबनी उस खूबसूरत नजरिए पर से पर्दा उठाने के लिए, कि जिसके लिए मैंने अकेले तने तनहा एक छोटा सा पोर्शन कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश की है, बी इट एवर सो टाइनी, जो कि बेशक बहुत छोटा पोर्शन है ऑफ द रीजन, लेकिन वजह रखता है किस चीज का, दैट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन नेचर। या मैनिफेस्ट्स का मतलब नोट कर सकते हैं, एक्सप्रेसेस, एक्सप्लोर्स, लेकिन वजह रखता है एक ऐसे अमल की कि जिसके लिए अगर कुदरत को देखा जाए, कुदरत को परखा जाए, तो मेरी सारी बातें सच साबित होंगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस तरह से अपना चैप्टर, अपना मजमून मुकम्मल किया। बात को समाप्त करने से पहले दो तीन बातें आपसे अर्ज करना चाहूंगा। चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पूरे चैप्टर में कई चीजों पर बात की, लेकिन जो तश्वीश, जो परेशानी, जिस एक चीज के लिए जिसके लिए उन्होंने ये मजमून लिखा, मैंने शुरू में कहा था मैं ये बताऊंगा कि ये मजमून, ये मौजू क्यों लिखा गया, इसका मकसद था मजहब की तलाश। और कहा यह भी जाता है, सोर्सेस शायद ऐसे रेयर हैं, शायद ऐसे हैं भी नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ अरसे और जिंदा रहते तो शायद इस्लाम कबूल भी कर लेते, क्योंकि उन्हें अंदाजा होने लगा था कि किस मजहब में सबसे ज्यादा सुकून है। बहरहाल ये कहना कबल इस वक्त है, शायद ये बात सिर्फ एक बात ही है, इसमें शायद उतनी हकीकत मौजूद नहीं है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन मजहब से बहुत करीब थे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह ये चैप्टर खत्म हुआ, और मुझे और एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजाजत दीजिएगा, हम दोनों आपके मशकूर हैं कि आपने हमें सुना, और कोशिश करिएगा कि इस नजरिए को जरा अपनी जिंदगी का भी हिस्सा बनाए। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, इस तरह ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर्स को लेकर इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होऊंगा, और
मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन तमाम के तमाम लेक्चर्स को अपनी तैयारी का जल्द से जल्द हिस्सा बनाएंगे। तो इससे पहले कि हमारी वैसे ही मुलाकात हो, टिल देन इट्स गुड बाय, टेक केयर।